10 जून को औरंगाबाद में संभागायुक्त कार्यालय के सामने औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। भाजपा प्रवक्ता द्वारा मुस्लिम मौलवी के बारे में इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए भाजपा की आलोचना की गई थी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके दुष्परिणाम पूरे महाराष्ट्र में महसूस किए जा रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में IIM के पदाधिकारी मौजूद रहे। वायरल हुआ था कि आज जुम्मे के बाद बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने भी ये किया था कि आज रिविजन कमिश्नर ऑफिस के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है करके। हमारा यही है कि जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज़ किया था उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था, समझ होनी चाहिए थी कि वहाँ पर माइक का भी इंतज़ाम नहीं था बराबर से। वो क्यों नहीं था, क्या पुलिस ने परमिशन दी थी नहीं दी थी, इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम लोगों से बात कर सकें, लोगों को यह मैसेज पहुँचा सकें। अगर किसी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई कोताही हुई है तो हम उनके ख़िलाफ़ भी है तो सख्त से सख्त तो कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्दे के ऊपर हम जमा हुए हैं, जिस मज़हब का ताल्लुक़ अमन और शांति से है, उसका आड़ में अगर कोई शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आपके वीडियो के अंदर आप देखिएगा, मैं खुद पहचानता हूँ कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियाँ खा के बटन प्लेयर जिन्हें कहते हैं नशे का कारोबार करने वाले, नशा करने वाले वहाँ पर जो आए थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी ये नौजवानों की और पूरे शहर की है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर शहर का अगर ऐसा माहौल ख़राब होता है तो आप सोचिए पूरे शहर की बदनामी होती है, मज़हब की बदनामी होती है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।